स्टेट रस आ जाए और ये बेहतरीन समय संभाला गया। निखुत कुट्टी के साथ ये करण संभ, ये पंजाबी पुत्र दोस्त, पंजाबी पुत्र कभी हार नहीं मानते हैं, हरा देते हैं। तो क्या करेगा करण संभ और ये हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर गेम को शो करता है। तो साउंड सिस्टम वाले दादा साउंड दूस कर दिया, एक मतासिर या पैक से आए, तेज प्रहार जरूर किया गया है। रहान 11 नंबर रहान है और कुछ टोली है जो परदेशी है लेकिन इस मुकाबले को देखने के लिए आई है, जिसमें बेहतर मैंने कहा उस मुकाबले को देखने के लिए आए हैं। जो परदेशी है वो काफी खुश होते हैं जब उन्हें कहीं टूर्नामेंट देखने को मिल जाता है। क्या जबरदस्त ये सर्व है, फुल स्मैश कर रहा है बटर है। तो बेहतर मुकाबला आपके सामने है यहाँ पर, भाई स्कोर बोर्ड के सामने दरअसल लोग पूरी बना रहे हैं 0-1 है स्कोर, स्कोर बोर्ड नहीं दिख रहा भाई साहब, आप पीछे हट जाए, जो सफेद शर्ट पहन के बैठे स्कोर बोर्ड के सामने दरअसल पीछे हो जाए मेहरबानी होगी। और फिर वहां पर बेहतरीन प्रहार किया गया है, साउंड सिस्टम साउंड दुरुस्त कर दे तो मेहरबानी होगी। एक बहुत ही प्यारा ये खेल, ये मगरामा रायपुर की सरजमीन, दुनिया वॉलीबॉल के लिए जाने गई, बड़े बड़े नाम दिए वॉलीबॉल के मैदान को। अब जी हाँ, अब भी आप सही किए, 1-0 का स्कोर संभाला गया। चतुराई के साथ ड्रॉप देना चाह, टाइम लगाकर संभालना चाह, लेकिन कामयाब नहीं हुए। अब ये तीसरा सेट है, जो जीतेगा 3,000 का इनाम भी मिलेगा और अंतिम चार में प्रवेश भी मिल जाएगा। ये सहीम है, उनका सर्विस करते हैं लगातार और ये आशीष व्हाइट स्मिथ टच आउट करने में कामयाब रहे, टच आउट करने में कामयाब। तो मैं देख रहा हूँ अबुल तराजापुर सिकर, जो पूरी टोली इस मुकाबले को देख रही है, सारे लोग हैं यहाँ पर काफी खुश है, नौजवानों की ये टोली है और ये सर्वर दोस्त सालों में होगी, लेकिन क्या जबरदस्त मैं दिख रहा हूँ इसको सर्विस कर रहा है, सर्विस टॉस दिया है वहां पर अच्छा, लेकिन ये आशीष है कैसे खेला है, ड्रॉप दिया था सही करण संधु को, जवाब नहीं है इससे कोई शान नहीं है। और मैं तो इसे टूर्नामेंट में कहा था कि मैं चाहता हूँ ये प्लेयर अपने हिंदुस्तान के लिए खेले, ये सही मेहनत करेगा तो हिंदुस्तान के लिए खेलेगा। अभी अभी देखेंगे आप सौरभ ठाकुर भी आएगा किसी टीम में तो भी गेम शो करेगा, लेकिन मगरामा रायपुर जो नाम के साथ करवाया था प्लेयर उसी तरह से यहाँ पे आए हैं, हर बड़ा प्लेयर यहाँ पे आया है, जो आसिफ गुट के टॉप का टूर्नामेंट कामयाब टूर्नामेंट रहा और बना दर्शक यहाँ पर आए, जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा दर्शक आए, ये सर्विस बेहतरीन सर्विस थी और अच्छा बल्ला किया गया। रेहान और उनके साथ ही जो लंबे करके हैं, वॉलीबॉल में कहा जाता है कि बहुत जरूरी है भाई, साउंड सिस्टम आप मचोरी ना खिलवाए, ये सहारी तैयार है सर्विस करने के लिए। 2-0 है, तीसरा सेट है, पहला से जीता था कि रफी क्लब मगरामा संभाला गया किसको, और ये सुहानी आए सब कुछ है, तो व्हाट इज सुहानी, वेर इज सुहानी, क्या करेगा सुहानी, कहाँ है सुहानी, कौन है सुहानी। 3-0 का स्कोर है, चर्चे सुहानी के हैं कि सर्विस के, कभी कभी देखा जाता है ना शानदार ये सर्वर, लेकिन सुहानी क्या करेगा, चर्चे साथ इसमें से सर्विस अच्छा पास किया गया शाहरुख के द्वारा, और लेकिन डिफेंड डिफेंस करना पड़ेगा, सब काम बनेगा, फिर डिफेंस का काम नहीं बनने वाला है। ये तैयार है इस बार के सर्विस को, अच्छे सर्विस को सही तरीके से, लेकिन सही भी जरा सा झूमे और शाहरुख भी जरा सा झूमे, लेकिन तब तक अपने काम को कर गए, तो तब तक अपने काम को कर गए। तो सलीम शहजादा जैसे वॉलीबॉल की दुनिया का बहुत प्यारा नाम, और सलीम भाई अक्सर कहते हैं अगर उसी गाँव में बड़ा पसंद है, तैयार है गाँव सर्विस करने के लिए, सहाने के ओंदा सर्विस बहुत खूबसूरत पास, और ये वहां पर पूरी कोशिश किया था लेकिन कामयाबी पर चूने से साफ इनकार किया, 0-3 का स्कोर है। तो मगरामा रायपुर में इनाम देने वाले बहुत होते हैं, कभी नौशाद चचा जो मंत्री के नाम से जाने जाते थे वो भी पैसों के नौशाद कर देते थे, तो ये बेहतर मुकाबला है, लेकिन यहाँ पर अंपायर का इशारा भी जर्मन होम्योपैथिक लाहिड़ी बाजार आजमगढ़ डॉक्टर अहमद जलाल साहब, Thank you.
हेलो 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 चार बराबर के साथ मुबारकपुर नारोहत निगाली के पास पहुंच जाए दोस्तों। फिर मुकाबला है तीसरा सेट है और एक मिनट है, पांच और चार बराबरी की नौ में चल रही है। ये कह पाना बड़ा मुश्किल कौन जीतेगा, ये अंडर नेट ट्राई कर बैठे कितना काम ऐसा भुगतने के लिए भी अपना जनेश तौर उत्तरा बाजार रफीक क्लब मगरामा अच्छा गेम शो किया दोस्त। रफीक क्लब मगरामा बहुत प्यारा गेम शो किया है। सहारी चक के साथ लगातार इस मशीन सर्विस पर रहे हैं और ये बहुत बड़ा सर्विस थी, सही तरीके से पास नहीं था और ये करल तक भी जाम से जाम टकरा के मारा है, छलका के मारा है, बलका के मारा है। तो सर्विस को चेंज कराने में कामयाब हुए हैं। पांच और चार का स्कोर है, पांच स्कोर है, आप देख रहे हैं अपना जनरल स्कोर एक और सर्विस जिस तरीके से वहां पे पास है, एक गेंदबाज के अंतिम बॉल दिया गया, एक और पॉइंट सिक्स सेकंड है। अब अपना जनरल स्कोर पुत्रा बाजार आगे बढ़ता बना रहा है और रफीक के लोग बनावा दो पॉइंट पीछे रहा है। तीसरा सेट है, जो जीतेगा 3,000 रुपए इनाम है। आशीष का अच्छा पास और ये बेहतरीन प्रहार किया रहा रहान, ये बता रहा है कि आज नहीं कल आजमगढ़ के इसके भी सिक्के चलने वाले हैं। और सुफियान भाई बार बार देख रहे हैं रहान को, बेहतर ये गेम शो कर रहा है। चार और छह के स्कोर पर, चार और छह काउंट सिस्टम थोड़ा सा कमेंट्री बॉक्स से मिलेगी तो बेहतर होगा। एक और सर्विस शाहरुख और फिर यहाँ पे गेम संभली है और इस मरतबा एक पॉइंट मिल जाएगा। पांच चार छह एक एक पॉइंट के लिए जद्दोजहद है, संघर्ष हो रहा है कि इधर आसम कर फिर आसमाए टूटी आसमा हम जिगर आसमाए। बहुत आम तौर पर मजबूत टीम थी लेकिन ये देखिए सहानी का क्या ये कला है, छह बराबर दोनों टीम का स्कोर बराबर है। तो रफीक क्लब मगरामा ने कहा था कि सुना है समंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जहाँ तूफान आया है। तो तूफान जहाँ आया था उसे गुज रहा है और आगे बढ़ रहा है। छह बराबर एक और ये तो टूटा है दोस्त, डैमेज हुआ है पांच का दोस्त। तो
इंटरनेट को रोस्ट टेक्निकल फॉल्ट उसको बूस्ट कर रहे हैं। अंपायर का जो फैसला होगा वो मान होगा। अब देखा जाए अंपायर का फैसला घर में कबड्डी और वॉलीबॉल है। नवंबर से क्रिकेट और छह बराबर का स्कोर है। 2 नवंबर से हरी साहब बकरा में जिला स्तरीय टूर्नामेंट जिसकी 2 लाख और 1 लाख प्राइज है। 16 नवंबर में जहाँ विनर आ रही है ब्रेजा अल्टो और पल्सर आ रही है। 2 फोर व्हीलर 1 टू व्हीलर आ रहा है नवंबर महीने में। बेहतर मैं कह रहा हूँ फिर यहाँ पर आए ये है रेहान मिस्टर रेहान मुकाबला खेला जाएगा वो मुकाबला है आपात और उसके बाद मुकाबले टीम में फिसहर क्या हम जानी होगी फिसहर में देखा जाएगा लेकिन एक मौका फिर और ये वकाश होंगे हमदार होंगे अली शेर साहब कोच होंगे 7 और 6 है। ये खेल की दीवानगी बता रही है कि बन्ने भाई के पास वक्त नहीं है सहारा के पास ओनर लेकिन खड़े होकर मैच देख रहे हैं ये बता रहे हैं कि मैं स्पोर्टमैन था स्पोर्टमैन हूँ। और ये मरतबा फिर रेहान और सोहेल की दोस्त आज जबरदस्त चल चल रही है दोनों ये बता रहे हैं कि एक दूसरे से कम नहीं है एक दूसरे को जवाब एक का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है 6-7 है तीसरा सेट है कोई हार मानने को तैयार नहीं है कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है और बेहतर त्रिकक्षीय मुकाबला बहुत ही प्यारा मुकाबला आपके सामने चल रहा है 7 और 6 है। एक तरफ सीनियर है मोहम्मद आसिफ साहब जो रफीक क्लब मगरावा टीम का हिस्सा है 35 साल से इस खेल के मैदान पर हैं आसिफ भाई और सारे बच्चे नौजवान यंग टैलेंट यहाँ पर मैं देख रहा हूँ संभाला जा कि रेहान को याद लाया जा रहा है इस मरतबा अच्छा बना दिया गया वहां पर शाहरुख के द्वारा ये एस आर के है ये कौन शाहरुख ये तो पागल वाला शाहरुख नहीं है ये तो शाहरुख दोस्त वॉलीबॉल वाला है ये वॉलीबॉल वाला शाहरुख है बेहतर मैं देख रहा हूँ खूबसूरती के साथ संभाल लिया गया और फिर ये आए लेकिन गलती से गलती हो रही है गलती महंगी पड़ेगी बात किया गया है रफीक कलम पैनल स्कोर 3,000 के इनाम होगा इनाम देने वाले हम इस समय में मैं देखता हूँ वॉलीबॉल में 3,000-5,000 प्राइज होते हैं देखिए मैच जीतने में 3,000 मिल रहे हैं खिलाड़ी भी बहुत बेहतर टूर्नामेंट है बहुत बेहतर टूर्नामेंट है सही सर्विस कर रहे हैं और सही बड़ा फेमस है अपने घुसने की वजह से अपने सर्विस की वजह से शायद बारकपुर का हलवा बात खा जाए सही किया गया जितना फेमस है ये लेकिन ये है रेहान ये छोटा पत्थर लगातार प्रहार कर रहा है बेहतरीन प्रहार कर रहा है रेहान अपने आप को लोगों की निगाहों में ला रहा है फ्रेम में लेके आ रहा है रेहान नतीजा हुआ 6 और 9 का स्कोर है क्या प्राप्ति करेंगे ये उनका सर्विस थी लेकिन शॉट गेम बेहतरीन प्रहार यहाँ पर सलमान का बेहतरीन प्रहार सभी चेक करने में कामयाब बिल्कुल की रिपोर्ट आप गलेरी में आ जाए और किसान अभी वकाश साहब आप भी अपने टीम को लेकर बिल्कुल गलेरी में रहेंगे तो बड़ा अच्छा होगा क्योंकि वक्त का इस्तेमाल कर गया वक्त फिर हाथ आता नहीं और जैसे दोस्त जो आरपी स्कोर है या मसूद वाली बाल है या जुड़े पे वाली यहाँ दिखा रहे हैं वैसे लाइव चला दोस्त आप फोन आ रहा है कि लाइव नहीं चल रहा है लाइव किस पे चल रहा है लाइव देखना है जो बाहर वीडियो बना लेंगे तो बेहतर है लेकिन लाइव भी चला दे कुछ लोग देख लें ऐसे मुकाबले कब देखने को मिलते हैं जो हमारे परदेशी लोग हैं जो दूर दराज है वो लाइव मुकाबला देखना चाह रहे हैं बार बार फोन आ रहा है कि लाइव किस पे चल रहा है लाइव कौन चला रहा है लाइव चलाएं आप लोगों को टेस्ट मिल चुका है लाइव का बिना लाइव के लोगों को मजा नहीं आता और ये वाइड स्पेस सब इसको चेक कराने में कामयाब 6 और पहले से जो जीता था ये टीम रसूल कलम मगरावा उसमें रेहान के ताबा को हमले और पहाड़ी की पुत्र सर्विस जिसको संभाल नहीं पाया था अभियान
जनरल स्टोर बहुत प्रचलित और इसी तरह सोही अपने नाम के अनुरूप शो कर रहा है लगातार। तो ये एसआरके सलमान और सोही जिस तीनों बैटमैन ने अपनी शानदार ब्लॉकिंग की है वो सही जो सभी बेहतरीन तरीके से संभाला गया और ये फिर पहचान पुराने मुकाबले पूरे कैसे और सुजात भाई मिर्जापुर एक ऐसा नाम है जो दुनिया वाली वाल में इतना वक्त देते हैं लगता है उतना वक्त वो अपने घर वाली को नहीं दिया होगा जितना वक्त वो अपने इस खेल को देते हैं वाली वाल को देते हैं। खूबसूरती के साथ फिर यहाँ पर ये शाहरुख को लेकर गलती कर बैठे अपने ही पाल में मार बैठे बहुत दूर के बाद पॉइंट मिला है 7+ का स्कोर। तो तारिक साहब जो दुनिया वालीबॉल के लिए ताज बादशाह की भूमिका निभा हैं और इस करीब सहजादा ये मेरा बड़ा सौभाग्य की आज मैं उनके बराबर में बैठा हूँ उनके पास बैठा हूँ मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि इस करीब सहजादा जैसा हीरो वालीबॉल आज हमारे साथ बैठा हुआ है बड़ा अच्छा लगा। लेकिन ये लोग ऐसे हैं जो हर जगह पहचानते हैं यही मोहब्बत हम लोगों को बहुत बड़ा बना देती है बेहतर और ये रहना है फिर टच का चक्कर का सर हला गया है वहां पर क्या करेंगे बैठ के और ये करम संधु जिस बॉल पे हाथ रखते हैं साइड वो हमकी हो जाती है 11 और 7 ये नाव पर बैठ के धोया तक कभी हाथ उसने पूरे तालाब में महबूब की महक आज भी है करम संधु के खेल की महक आज भी है अभी भी आप देख रहे हैं ये डाप पल खाते हुए सभी तीनों और ये है अंडर नेट वन टू पॉइंट ये लगे ऐसे में अब खेल बिगड़ रहा है अब कुर्सी की पेटी बांध लो रफीक लोग लगावा खेल बिगड़ रहा है 12 और 7 है संभालने की कोशिश की गई है यहाँ पर और ये सहानी और यहाँ पर सर्विस को संभवता अपने पक्ष में किया अब सहानी को कुछ करना होगा कुछ आखिरी तब लगाना होगा सर्विस में जंग के साथ बास को पहले लाया गया था इतनी तेज तरार सर्विस की गई कि माज रिसीव नहीं कर पाए संभाल नहीं पाए और वहां बाहर बैठना पड़ा और फिर मणिपाल का पूरा फायदा आशीष को मिला एक पॉइंट मिल गया 8 और 12 अभी भी उम्मीदें जीता है अभी भी बरकरार है बेचैन है कि आप मुकाबले को जीतेंगे और अली शेर फसा चचा महबूब बड़ा इनाम लेके 1000 का इनाम लगाया है चक्के साथ इसमें से सर्विस को कट पास शाहरुख का और जीशान मिसर में कामयाब रहा 12 और 6 अगले मुकाबले के लिए आफाक अलम दोहरी और बिसहर दोनों टीम बिल्कुल सुबह होकर गैलरी में आ जाए तो मेहरबानी होगी दोस्तों मेहरबानी होगी और ये पल खाती हुई दूसरा सर्विस एक ने बांध दिया सहानी पूरी कोशिश की तवज्जो लिए कामयाबी हर्ष पूरी कोशिश की तो संभाला जाए लेकिन कामयाब नहीं हुई 8 और 12 बहुत ज्यादा फासला नहीं है फासला सिकटेगा लेकिन अपने अंदर एक जुनून एक हौसला एक लगन लानी होगी बेहतरीन सर्विस क्रीमी पॉइंट 9 और 12 का स्कोर 9 पॉइंट रफीक कलम लगरावा का है अदनान कलम जर्नलिस्ट पिंद्रा बाजार का है तो ये बेहतर मैं देख रहा हूँ ये खेल आज आपके सामने एक और होता सर्विस क्या खूबसूरत यही आखिरी वक्त में दम लगाना है ये करण संधु संभाल लिया गया वहां पे और यह एक असर आपकी आकृति वहां पे दिखे सुहीर का लाजवाब खेल चल रहा है लाजवाब खेल का सवाल किया अत्यंतों के सुहीर की फेंस है सुहीर का डिफेंस क्या जवाब है लेकिन यहां पर सुस्त नहीं आए जबरदस्त में देख रहा हूँ ये खेल और नतीजा हुआ सबसे 12 कहा जाता है कि है ना लाती रंग पत्थर में घिस जाने के बाद सुरकुरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद 12 जो शहीद के मेहनत में सर्विस चेंज के शरीर में इनाम मिला और इस शहीद की पल खाते हुए सर्विस संभाल लिया गया वाह अच्छा इस मर्तबा शॉट दोनों को अपनाया था शॉट देख के बेहतरीन स्मैश दिया बेहतरीन स्मैश दिया और सर्विस को चेंज करने में कामयाब 9-12 है क्या जबरदस्त गेम है दर्शक खेलने का नाम नहीं ले रहे जाने का नाम नहीं ले रहा है हर कोई कहता है आज की रात इस मगरामा के नाम ओम दास सर्विस पास तो सही नहीं था वाइड स्पेस है उसको ही दबाएंगे सही है संभाल लिया आज दोस्त मुझे लग रहा है कि 700-800 ग्राम मुबारकपुर का हलवा सही खा के आए इस तरह से सर लगातार डिफेंस कर रहे हैं 10 और 12 फासला सिमट रहा है बेचैनियां बढ़ रही हैं दोनों टीम की और
टाइम आउट किया गया सज्जन भाई टाइम आउट के लिए कि वो खेल भी रहा है लेकिन अभी मजा आ रहा है मजा खेल में आ रहा है एक पिन एक है कड़ी टक्कर दी जा रही है दोनों टीम के द्वारा और नगरावा तीन तीन से कम देखे जाते हैं लेकिन नागोच ने चलाया है ये अदनान जनरल स्टोर सोचा था कि हम आसानी से मार देंगे लेकिन ये जो सर्वर है इसको संभाल नहीं पाए इसकी टोल नहीं निकाल पाए इसकी टोल नहीं निकालेगी तो खतरे में है आप डेंजर जोन में है तो क्या होगा शादाब कीपर शाहजाद किसान के लिए इसी नाम से खेलेगी प्रोफेसर भाई राशन शादाब कीपर शाहजाद जो किसान के टीम इसी नाम से खेलेगी और आशा अलपुर शादाब कंप्यूटर शारजा ये दोनों टीम का मुकाबला है फिर दोस्तों ये कभी कभी ने धोखा दे देता है तो ये 12-10 सर्विस पे तैयार होते हैं छक्के साथ इसमें से सर्विस अच्छा पास और ये इस तरह नसरों के सामने डाउन किया ये रेहान वालीवाल का यहाँ जलवा बिखेर रहा है रेहान जलवा का बिखेर रहा है खेल में और बेहतरीन खेल दिखाया आज रेहान के साथ ये खेल फिर यहाँ पर आया लेकिन अच्छा प्लान जरूर था लेकिन टच आउट फिर सभी चेंज हुई है 12-10 का स्कोर है बहुत ही प्यारा ये खेल आज आपके सामने देखा जा रहा है बहुत ही काटे की टक्कर है हार जीत के पास सब गेम है एक जीतेगा एक हारेगा लेकिन खेल इसी तरह से होना चाहिए और 13-10 हो गया है अब यहाँ से दिल की धड़कन बढ़ेगी दोनों जो स्कोर है दोस्त अलीशेर साहब और गुरपुर 100 रुपए के इनाम दिए दोनों जो स्कोर पे बैठे हुए हैं नौजवान बड़े बहुत की है इनको इनाम बहुत बढ़ता था 100 रुपए के इनाम और गुरपुर अलीशेर चाचा से आया है फिर भी आपको तोड़ने में कामयाब है रेहान और इससे पहले मकबूलपुर में एक वालीबॉल टूर्नामेंट हुआ था बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी की गई थी अलीशेर साहब की जानिब से मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ ये स्कोर का इनाम फैसल भाई का है लेकिन क्या यहाँ पर सही या दोनों टीम क्या तरह से थक रही है 13-10 का स्कोर है 13-10 का स्कोर है सही जबरदस्त का दिखा और दस्तावेज क्या संभाल लिया गया किसको हटाया जाएगा माइन पाल हो गई है लेकिन क्या उसको संभालेंगे संभली है और यह आशीष बिगड़ी बात बन गई अब यहाँ पर 10-13 का स्कोर और ये टूर्नामेंट चल रहा कितनी भी तारीफ की जाए तब है सो स्कूल तक इसमें 13-10 तो 13 पॉइंट बना चुकी है 2 पॉइंट और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए क्या ऐसा कर पाएगा सही अच्छा पास किया गया और लंबा क्रॉस किया गया फिर संभाला है ईशान यहाँ पर और बैक से सोनी को और यहाँ पर 14-10 का मैच पॉइंट कैपेबिलिटी मैच पॉइंट रफीक क्लब नगरावा मैच और अगली टीम शादाब कंप्यूटर शारजा और आशा क्लब को ही तैयार उनका सभी चीज सही तरीके से पैक किया है रहा और बड़ा प्यारा प्रहार किया सब इसको चेक कराने में क्या गया शादाब कंप्यूटर शारजा अपनी टीम को बिल्कुल ले जाए और आशा क्लब पूरी लगभग एक घंटे से अनाउंसमेंट आप कह रहा अब आपका लेट नहीं करेंगे डिले नहीं करेंगे और आसिफ साहब की तरफ से दोनों रेफरी महोदय को 100-100 रुपए के इनाम आया है डॉक्टर शाहिद साहब को और तारिक भाई को 100-100 रुपए के इनाम आसिफ साहब की तरफ से आया है दोनों रेफरी को 11-14 क्या अभी भी जान का
बाकी है ये देखा जाए। इस सर्वर की सर्विस में अगर जरा सा तक और आ जाए तो मजा आए। अबू बकर बाबूराज अगर 500 रुपए इनाम लगाए हैं, लेकिन अब खतरे की घंटी बज रही है। फिर कहा गया मैच पॉइंट का कमेडी रफीक कलम लग रहा और सही कह रहे हैं एक अच्छी सर्विस हो जाए तो पॉइंट में जाए कुछ भी रिलैक्स महसूस करेंगे। और सर्विस अच्छा पास रहा, फिर वहां पर टच का चक्कर था, सही ने संभाला है, सही संभाला है और ये स्टोर ही संभालने की कोशिश कर रहे हैं। जनरल स्टोर में जीते, अभी पहला मैच जिस दिन हमें नहीं जीते हैं।